फतेहपुर की पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर पैसा चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए अभियुक्त बहुत ही शातिर तरीके से एटीएम से पैसा निकालने के लिए एटीएम जाने वाले लोगों से एटीएम बदल लेते थे और उनके खाते से पैसे पार कर देते थे। बीते 22 सितंबर 2022 को बिंदगी कोतवाली के ललोरी रोड पर एक्सिस बैंक की एटीएम से धोखाधड़ी के जरिए शातिरों ने 25,000 रुपये खाते से पार किए थे, जिसका मुकदमा कोतवाली में दर्ज हुआ था। सर्विलांस टीम और बिंदगी कोतवाली की पुलिस टीम ने सटीक मुखबरी के आधार पर पूरी गैंग को दबोच लिया। पकड़े गए सभी पांचों अभियुक्त नरवल थाना जिला कानपुर के रहने वाले हैं। एडिशनल एसपी अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि यह गिरोह कई राज्यों में इसी तरह से एटीएम कार्ड बदलकर और स्वैप मशीनों के जरिए पैसे निकालने में जुटा था। पुलिस ने इनके कब्जे से अलग अलग बैंकों से 24 एटीएम, 9 मोबाइल फ़ोन, 1 तमंचा, कारतूस और चोरी की एक स्कूटी भी बरामद की है। पुलिस ने सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। फतेहपुर पुलिस द्वारा अंतर्राज्यीय गैंगों का एक बड़ा गिरोह पकड़ा गया है, जो बैंक, एटीएम आदि के माध्यम से फ्रॉड करता है। इस गैंग के द्वारा एटीएम केंद्रों पर जाकर के वहां पर जो महिलाएं आती थी उनका एटीएम कार्ड बदलकर फ्रॉड किया जाता था। इसके साथ स्कीमर डिवाइस का भी उपयोग करते थे, उसका भी उपयोग करके इनके साथ फ्रॉड किया जाता था। और इस गैंग के द्वारा लगातार आपराधिक गतिविधियां की गई हैं। नासिक में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, वहां पे काफी दिनों तक जेल में रहकर आए हैं। और इसके अलावा कानपुर में कई थानों में इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। इस गैंग के खिलाफ हम लोग आगे गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई करेंगे और इनके द्वारा जो संपत्ति अर्जित की गई उसकी जब्तीकरण की भी कार्रवाई की जाएगी।